नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, एक बार फिर से भारत ने स्पेस फील्ड में एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन इस बार ये अचीवमेंट इसरो का नहीं है, ये हासिल किया है एक प्राइवेट कंपनी ने। बेंगलुरु बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है पिक्सेल, और उसने भारत के लिए इतिहास रच दिया है। ये भारत का पहला ऐसा प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है जो स्पेस में अपना खुद का सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन क्रिएट कर रहा है, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। 14 जनवरी को इस कंपनी ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के एक रॉकेट के थ्रू अपने 3 फायरफ्लाई सैटेलाइट लॉन्च किए, और इसी के साथ इस कंपनी ने अपने कॉन्स्टेलेशन की शुरुआत कर दी। अभी तक आप लोगों ने स्पेस एक्स या अमेजन जैसी कंपनी के बारे में सुना होगा जो स्पेस में अपना सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन बना रही है, लेकिन अब भारत की पिक्सेल कंपनी भी इस रेस में आ चुकी है। हालांकि 14 जनवरी को इस कंपनी ने सिर्फ 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, और अगले 3 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे 2 महीनों में। इसके बाद ये कंपनी 18 और सैटेलाइट लॉन्च करेगी, यानी इस कंपनी के स्पेस में टोटल 24 सैटेलाइट्स होंगे, या आप कहें 24 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टेलेशन होगा। एंड दैट सीरियसली बिग अचीवमेंट फॉर स्पेस स्टार्टअप। इस कंपनी के साहसिक कदम को लेकर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया था, और उन्होंने लिखा था, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बाय पिक्सेल स्पेस शोकेसेस द एक्सेप्शनल टैलेंट ऑफ इंडिया यूथ एंड हाईलाइट द एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ अवर प्राइवेट सेक्टर इन द स्पेस इंडस्ट्री। पिक्सेल स्पेस एक बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है। इसके फाउंडर है अवेश अहमद और क्षितिज खंडेलवाल। हालांकि ये कंपनी 2019 में ही बनी है, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद ये अपना खुद का कॉन्स्टेलेशन क्रिएट कर रही है। पिक्सेल कंपनी के जो को फाउंडर है ओएस अहमद, ये बिट्स प्लानी के स्टूडेंट हैं। भारत का एक प्रोजेक्ट है हाइपर लूप इंडिया, ये उसमें इंजीनियरिंग लीड थे। और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक हाइपर लूप पोर्ट कॉम्पिटिशन लॉन्च किया था 2017 में, ये उसके फाइनलिस्ट रहे थे। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये वही सैटेलाइट हैं पिक्सेल कंपनी के, जिन्हें इस कंपनी ने नाम दिया है फायरफ्लाइज, और इनके आने वाले कॉन्स्टेलेशन का नाम भी फायरफ्लाई होगा। ऐसे ही 3 सैटेलाइट इस कंपनी ने स्पेसएक्स के रॉकेट के जरिए छोड़े हैं, और आने वाले 2 महीनों में 3 सैटेलाइट और लॉन्च किए जाएंगे। इस कंपनी के इस लॉन्च से ये पता लगता है कि स्पेस फील्ड में भारत का प्राइवेट सेक्टर सीरियसली काफी हार्ड वर्क कर रहा है। और देखिए, भारत की पिक्सेल स्पेस का फ्यूचर इतना प्रॉमिसिंग है कि इसे गूगल भी बैक कर रहा है। गूगल ने इस कंपनी में 36 मिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, और गूगल के साथ साथ एक्सेंचर्स और कनाडा की रेडिकल वेंचर्स, ये कंपनियां भी पिक्सेल स्पेस में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। अब इस लॉन्च की जो सबसे क्रूशियल बात है वो ये है कि पिक्सेल स्पेस ने जो सैटेलाइट लॉन्च की है, या जो सैटेलाइट वो फ्यूचर में लॉन्च करेगा, ये नॉर्मल सैटेलाइट्स नहीं है, ये सैटेलाइट है हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट। और हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट में भी पिक्सेल स्पेस की सैटेलाइट वर्ल्ड की हाईएस्ट रिजोल्यूशन कमर्शियल ग्रेड हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से मतलब ये है कि ये अर्थ को ज्यादा प्रिसीजन के साथ मॉनिटर करेंगी। पिक्सेल स्पेस ने जो फायरफ्लाई सैटेलाइट लॉन्च की हैं, इनका रिजोल्यूशन है 5 मीटर, और ये दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट होंगी जिन्होंने ये रिजोल्यूशन अचीव किया है, क्योंकि फिलहाल वर्ल्ड में जितनी भी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स यूज हो रही हैं, उनका रिजोल्यूशन है लगभग 30 मीटर का, और इसी वजह से पिक्सेल स्पेस की फायरफ्लाई सैटेलाइट ऑन फाइन डिटेल को भी कैप्चर कर पाएगी, जिन्हें नॉर्मल सैटेलाइट या पुरानी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कैप्चर नहीं कर सकते। देखिए, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस को एनालाइज करने के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज करती है, ये लाइट वेवलेंथ की एक वाइड रेंज को एनालाइज करती है, और एक ऐसी इमेज क्रिएट करती है जो किसी ट्रेडिशनल इमेज के कंपैरिजन में हमें उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। ये आप 2 इमेज देखिए, पहली इमेज है नॉर्मल इमेज, किसी नॉर्मल सैटेलाइट द्वारा ली गई, और दूसरी इमेज है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग जो एक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ने ली है। फर्क आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नॉर्मली जब कोई पिक्चर कैप्चर की जाती है तो उसमें 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, उसी से इमेज क्रिएट होती है, लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में लाइट के एक वाइड स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया जाता है, एंड द कलेक्टेड स्पेक्ट्रा आर यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज इन ए वे दैट ईच इमेज पिक्सेल इंक्लूड ए कंप्लीट स्पेक्ट्रम। सबसे अच्छी बात यह है कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के केमिकल फिंगरप्रिंट को एनालाइज कर सकते हैं। इन सैटेलाइट की इमेजिंग का डिफरेंट फील्ड में यूज किया जा सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट अलग अलग तरह के पेड़ों में भी डिफरेंशिएट कर सकती है, और उनकी हेल्थ भी डिटरमाइन कर सकती है। इन सैटेलाइट के जरिए हम अर्थ में वैल्यूएबल मिनरल्स और गोल्ड डिपॉजिट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सैटेलाइट अर्थ पर क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन को मॉनिटर करने में भी वैल्यूएबल रोल प्ले कर सकते हैं। और भी कई डिफरेंट फील्ड में इन सैटेलाइट्स का यूज किया जा सकता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, केमिकल इमेजिंग, एनवायरमेंट, सिविल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इमेजिंग। और इसलिए भारत की इस स्पेस स्टार्टअप पिक्सेल स्पेस का लॉन्च भारत के लिए काफी मायने रखता है। पहला तो ये कि ये फर्स्ट टाइम है जब भारत का कोई स्पेस स्टार्टअप अपना खुद का स्पेस कॉन्स्टेलेशन क्रिएट कर रहा है, और दूसरी बात ये
क्या इस कंपनी ने जो सैटेलाइट लॉन्च की हैं, वो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस और हाईएस्ट रिजोल्यूशन वाली हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स हैं। और देखिए, इस कंपनी के पास अपनी सैटेलाइट्स के लिए ऑलरेडी कस्टमर्स हैं। ये कंपनी जो कॉन्स्टेलेशन बनाने वाली है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा और डेटा भेजना स्टार्ट करेगा, उसके लिए ऑलरेडी 65 कंपनीज पिक्सेल स्पेस के साथ कॉन्टेक्ट कर चुकी है। और इसके कस्टमर्स में भी कई बड़े नाम है, जैसे कि रियो टिंटो ग्रुप, जो एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल कंपनी है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मेटल एंड माइनिंग कॉरपोरेशन। साथ ही ब्रिटिश पेट्रोलियम और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने भी पिक्सेल स्पेस के साथ कॉन्टेक्ट किया है इस कॉन्स्टेलेशन के डेटा के लिए। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भी एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च की थी और इसको नाम दिया गया था हाइसिस। इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की थी नवंबर 2018 में। अभी तक यही सैटेलाइट भारत के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन पिक्सेल स्पेस ने जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च की है, वो इसरो वाली सैटेलाइट से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा एडवांस है। आप लोग इसके बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।